जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको एक ऐसे स्पेनिश स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस मात्र 8 रुपये से 9 रुपये के बीच में है दोस्तों। जी हाँ, यह एक ऐसा स्पेनिश स्टॉक है दोस्तों जो कि आगे आने वाले 1 या 2 सालों बाद ये दूसरा बजाज फाइनेंस स्टॉक बनने वाला है। आने वाले 2 या 3 सालों बाद दोस्तों ये दूसरा बजाज फाइनेंस बनने वाला है। बजाज फाइनेंस का प्राइस आपको पता ही है कितना है, लगभग 7,000 के आसपास बजाज फाइनेंस का प्राइस है। लगभग दोस्तों 7,000 या 8,000 रुपये के आसपास बजाज फाइनेंस का प्राइस है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इस स्टॉक को लेकर मैं इतना ज़्यादा बुलिश हूँ। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वीडियो है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसी वीडियो को देखकर आप इस स्टॉक में आंखें बंद करके बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड होकर मत अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी थिंकिंग लगाना, अपने जो भी रिसर्च करनी होती है वो रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिएगा, फिर जाकर आप जो है अपने मेंटर की सलाह लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने पैसे को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी एक वीडियो देखकर ब्लाइंडली अपने पैसे को कहीं पर ऐसे मत इन्वेस्ट कीजिए कि आपका पैसा बढ़ने के बजाय घट जाए। इसलिए दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, कभी भी दोस्तों किसी भी वीडियो को देखकर, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी और की वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखकर कभी भी कोई भी डिसीजन मत लीजिए दोस्तों। ये एक ऐसा पैनी स्टॉक है जो कि आने वाले 2 साल 3 साल बाद हो सकता है बजाज फाइनेंस का रूप ले ले या दूसरा बजाज फाइनेंस मार्केट में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, जिस कंपनी की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, उस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और ये कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ऐसे ऐसे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक उसी तरह दोस्तों ये भी कंपनी है। ये कंपनी लगातार 1982 से लेकर अब तक, जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी साल 1982 से लेकर अब तक फाइनेंस और ट्रेडिंग सेक्टर्स में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है 1982 से लेकर अब तक। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ, जिस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 48 करोड़ रुपये है। इसके एक शेयर का प्राइस करीब करीब 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इसकी इसके शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। 14% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 10% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि ROE इसका 10% है। 1 महीने में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न दिया है। और अब इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 39 करोड़ रुपीज, यानी कि 39 करोड़ रुपये का इस कंपनी के पास रिजर्व है। देखिए, 39 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कंपनी के पास करीब 2 करोड़ रुपए के असेट हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, और 97 लाख रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, यानी कि देनदारी है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के ऊपर 27 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी है, यानी कि कर्ज है। 27 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जो कि धीरे धीरे लगातार कंस्टेंटली कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है और कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी फिलहाल। और इनकी जो सेल्स है, सेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है साल दर साल। इस कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में अपने कर्ज को काफ़ी कम किया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है इनका कर्ज। इनके सेल्स की बात करें तो इनके सेल्स भी लगातार दोस्तों इंक्रीज होते जा रहे हैं, और सेल्स के साथ साथ इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं इनके थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। ये जो स्टॉक है ये बजाज फाइन ये दूसरा बजाज फाइनेंस बनने की तैयारी में है दोस्तों। आने वाले 1 साल या 2 साल बाद ये स्टॉक बजाज फाइनेंस बनने का पूरा पूरा दमखम रखता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, इस कंपनी एक शेयर का प्राइस मात्र 8 रुपए से 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर मात्र 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी क्वांटिटी यहां से आप बाई कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो कंपनी है ये बजाज फाइनेंस बनने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखती है। सो ये कंपनी पूरा पूरा दमखम रखती है दूसरा बजाज फाइनेंस बनने की। बजाज फाइनेंस शेयर जिसका प्राइस करीब करीब 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा है मार्केट में, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 8 रुपए से लेकर 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है, बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रही है। आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ 5,000 रुपये अपने इन्वेस्ट करके और आप बहुत अच्छी खासी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका पैसा कई गुना हो चुका होगा दोस्तों। आप इसमें सिर्फ 10,000 रुपये भी अगर आज के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर 1,000 की क्वांटिटी मिल जाती है, 1,000 दोस्तों
1000 क्वांटिटी दोस्तों कम नहीं होती, आपके इस 10,000 रुपए को आने वाले 2 साल 3 साल बाद ये स्टॉक 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ रुपए भी बना सकता है, 4 करोड़ रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए भी बना सकता है ये स्टॉक, तो काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। चलिए इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों फटाफट, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि इसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। इसकी मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं पी रेशियो की अगर हम बात करें तो करीब 10.02 इसका पी रेशियो है, पीवी रेशियो की बात करें तो 0.98 इसका पीवी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड 0 है और सेक्टर पी की बात करें 16.85 इसका सेक्टर पी है, सेक्टर पीवी की बात करें 2.28 इसका सेक्टर पीवी है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करीब 1.02% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। और अब बात करते हैं इसके सेल्स के बारे में, तो यहाँ पर सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, 2020 में इसने 5.81 करोड़ रुपए की सेल की थी, 2021 में इसने 11.14 करोड़ रुपए की सेल की थी, 2022 में इसने 12.50 करोड़ रुपए की सेल की थी और 2023 में इसने 14.74 करोड़ रुपए की सेल की थी। इसी के साथ अब इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2020 में इसने 1.24 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2021 में इसने 4.19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2022 में इसने 4.43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2023 में इसने 4.89 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है करीब 55.61% यानी कि 55.61% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0 है। इस शेयर का नाम है कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड, आप यहां देख सकते हैं इसके एक शेयर का प्राइस 9.48 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसने लगभग एक दिन में 4.5% का इसने रिटर्न दिया है, आप जैसे आप देख सकते हैं 4.98% और अगर इसको हम मंथली कन्वर्ट करें तो काफ़ी अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 9.48 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है जो कि कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड है और ये काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की जो कि सीधा सीधा टक्कर देती है बजाज फाइनेंस को, आने वाले 1 साल 2 साल बाद इसका जो शेयर प्राइस है बजाज फाइनेंस के शेयर प्राइस को भी बीट कर सकता है क्योंकि उसी सेक्टर की कंपनी है, कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप चाहें तो इसके अंदर मात्र 9,000 रुपये इन्वेस्ट करके आराम से दोस्तों 1,000 शेयर लेकर आराम से बैठ सकते हैं और आगे आने वाले 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो लमसम आप देखेंगे कि यह एक दूसरा बजाज फाइनेंस कंपनी तैयार हो चुकी है, दूसरी बजाज फाइनेंस कंपनी तैयार हो चुकी है। तो आप यहाँ देखते हैं मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड का, तो ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, स्मॉल कैप के अंदर आती है कंपनी और इस पर हाई रिस्क है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों इस पर हाई रिस्क है, तो आप अपने पैसे को बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। इसका हाई लगा था 9.48 यानी जो आज ये प्राइस देख रहे हैं यही इसका हाई है और इसका जो लो है 8.58 इसका लो लगा हुआ है और इसने रिटर्न दिया है 4.98% का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 4.98% का इसने टोटल रिटर्न दिया है। अब इसका चार्ट थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं, तो हाईएस्ट प्राइस दिखाया है 1 मंथ में वो 11.22 रुपये के आसपास है और इसका लोएस्ट प्राइस है 7.45 रुपये यानी 7.45 रुपये इसका लो प्राइस है और 11.22 रुपये इसका हाई प्राइस है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो स्टॉक है वो 8 रुपये से लेकर 9 रुपये की कैटेगरी में बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ये फाइनेंस सेक्टर कंपनी का स्टॉक है जो कि 8 रुपये या 9 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर ये स्टॉक आपको ऑफर किया जा रहा है जो कि 8 रुपये और 9 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो शेयर है इसका जो प्राइस है ये प्राइस 10 रुपये के अंदर अंदर है, इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 48 करोड़ रुपये के आसपास का इसका मार्केट कैप है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों, इसका लगातार सेल्स भी बढ़ रहे हैं और लगातार इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों और इसका जो कर्ज है यानी जो लोन है वो लगातार दोस्तों घटता जा रहा है जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है वैसे वैसे इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। यह एक 10 रुपये के अंदर का स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है दोस्तों और यह एक ऐसा पैनी स्टॉक है जो कि आगे आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल बाद यह दूसरा बजाज फाइनेंस बन सकता है, पूरी पूरी बनने की इनके पास कैपेबिलिटी है, जैसा कि बजाज फाइनेंस है वैसे ही ये स्टॉक भी आगे आने वाले 2 साल 3 साल बाद बन सकता है और इसकी पूरी पूरी कैपेबिलिटी इनके पास, लोन कम है, इनका जो लोन है धीरे धीरे लोन अमाउंट जो इनके जो इनको ऊपर जो कर्ज है वो लगातार घटता जा रहा है और इनका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सेल्स के मुताबिक ही इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और साथ ही साथ जो इनका लोन है वो डिक्रीज होता जा रहा है।